हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज है 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो 3.2 क्या है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड fx बाय gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें क्या करना है, fx की वैल्यू गिवन है और gx की वैल्यू गिवन है, तो fx के अंदर डिवाइड करना है gx का और फिर उसके बाद फाइंड आउट करने कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यानी हमें करना है fx को डिवाइड करना है fx डिवाइड बाय gx। तो इसमें क्या देखना होगा कि gx के अंदर जो पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है fx भी, और ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक और ये क्या है टेट्रा पावर। तो यहां पे एक ये चीज देखनी है कि जो पावर्स है वो सभी टर्म्स के अंदर एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हाईएस्ट पावर फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, यानी कि जैसे 3 थी उसके बाद 2 उसके बाद 1 उसके बाद 0। सेम इसी तरीके से यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको जीएक्स की जो वैल्यू को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी कि इसको लिखे आगे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर उसका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर में कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो fx है, fx क्या है, इस तरह से fx डिवाइडेंड है और gx डिवाइजर है। gx क्या है डिवाइजर, ठीक है, डिवाइडेंड कौन है fx। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं gx का, यानी कि आपको रिवर्स कर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। इधर क्या है 3x raised to the power 3 plus x square plus 2x plus 5। देखिए तरीका, डिवाइड करने का तरीका देखिए, सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म देखो और इसका फर्स्ट टर्म देखो, कंपेयर करनी है फर्स्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का। तो देखिए यहाँ पे x square है, तो x square को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो नंबर है वो कितना आ जाए 3x raised to the power 3 आ जाए। तो इसमें देखा कि x square तो है, x की पावर 2 तो है, लेकिन होनी कितनी चाहिए x की पावर 3 होनी चाहिए, तो एक तो x की पावर 1 रिक्वायर्ड है और आगे 3 भी होना चाहिए। ये 3 होगा, 3x से मल्टीप्लाई करूंगा इसका तभी तो ये आएगा। तो यहाँ पे जो कोशेंट वाले जो बॉक्स में है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x लिख दिया जाएगा। 3x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से किया तो जो कंप्लीट होकर क्या आगे 3x क्यूब। अब क्या करना है, जो बाकी टर्म्स जो बच गई यानी कि 2x और जो 1 है उनको और इसी से मल्टीप्लाई करना है कोशेंट का। तो 3x को मल्टीप्लाई 2x से भी करना पड़ेगा और 1 से भी करना पड़ेगा, यानी कि टोटल टर्म से करना पड़ेगा। इसे कर ही दिया, इससे भी करना है इससे भी करना है, हमें कंपेयर फर्स्ट वाले से करनी होती है, बाकी ये मल्टीप्लाई सबसे होगा। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स आएंगे। सेकेंड 3x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना होगा 6 और एक्स स्क्वायर होगा। 3x का प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 3x होगा। पावर का ध्यान रखना है, कोफिशियंट का देखना है और साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद साइन चेंज, क्योंकि अगर सिंपल हम डिवीजन में करते हैं तो उसके अंदर भी नंबर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करना होता है। सेम इसी तरीके साइन चेंज, यानी कि माइनस हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस था ये माइनस हो गया, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया भाई। 3x क्यूब में से 3x क्यूब गए तो कैंसिल आउट हो गया। इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 6x स्क्वायर है, तो ये कितना होगा माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां पे इसी तरीके से 2x माइनस का 3x ये हो जाएगा माइनस का x, लेकिन 1, 2, 3 हमें 3 टर्म्स करने हैं कंप्लीट, 3 टर्म्स कंप्लीट करने हैं, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट उतारो यानी कि 5 हमने नीचे कर दिया। ठीक है, 1, 2, 3। अब देखो एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 5x स्क्वायर आ जाए, ये देखना है इसका फर्स्ट टर्म, इसका ये देखना है सेकंड स्टेप में। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 रिक्वायर्ड है और ओनली 5, एक्स स्क्वायर तो है इसी में, तो माइनस के 5 रिक्वायर्ड है, तो माइनस 5 का किससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 5x स्क्वायर होगा, माइनस के 5 का इससे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये माइनस के 10x आ गया, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2x, तो क्या होगा माइनस के 10x होगा। माइनस के 5 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो माइनस के 5 आ गए।
अभी साइन चेंज होगा, इसमें से ये सबट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज, प्लस माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसल आउट हो गया, माइनस का वन प्लस का टेन तो हो गया नाइन एक्स, और ये प्लस ये हो गया आपका टेन। ठीक है, तो देखो कोशेंट और रिमाइंडर कितना आया इसमें, थ्री एक्स माइनस फाइव, जो वैल्यू आई ये है थ्री एक्स माइनस फाइव, ये तो होगा आपका कोशेंट, क्या होगा कोशेंट, और ये होगा रिमाइंडर, ये क्या होगा रिमाइंडर, इसी तरीके से करना, तो डिवाइड करना है और कोशेंट और रिमाइंडर लिखना है, तो यहां पर लिख देंगे रिमाइंडर की वैल्यू है 9x प्लस 10 और कोशेंट की वैल्यू क्या है 3x माइनस 5। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे, इसी तरीके के हैं सारे क्वेश्चंस, तो इसमें एक और क्वेश्चन करा लेते हैं। देखो नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पार्ट देखो, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एफएक्स की वैल्यू गिवन है, एफएक्स की वैल्यू 9x रेज़ टू द पावर 4 माइनस का 4x रेज़ टू द पावर 2 4x स्क्वायर प्लस 4, यहां पे gx की जो वैल्यू है वो है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है gx का और fx का, डिवाइड करना है किससे, gx से, fx इज डिवाइडेड बाय gx, वो करना है हमें। ठीक है, अब देखो सेम इसी तरीके से, यानी कि fx इज डिवाइडेड बाय gx, तो इस तरीके से करेंगे हम, वो तरीका क्या होगा, इधर लिख लेंगे हम fx और डिवाइड करना है हमें किसका gx का। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो इधर क्या होगा, gx का वैल्यू जो होगा वो 3x रेज़ टू द पावर 2 प्लस x माइनस 1, ठीक है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और यहां पे वैल्यू पुट कर दो fx की 9x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब ये समझने का, सबसे पहले सेम उसी तरीके से फर्स्ट टर्म देखेंगे, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, बेटे इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है 9x, x रेज़ टू द पावर 4 आए, तो कोएफिशिएंट की बात करूं तो 3 है, नंबर की बात करूं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 9 आएगा, अब x की पावर 2 तो है उसमें, हमें लेके आनी x की पावर 4, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, तो 3 जा 9 होगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होकर के x की पावर 4 हो गया, तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करने का 3x की पावर 2 से ही करना पड़ेगा, और इसका मल्टीप्लाई करते ये आया 9x की पावर 4 आया, अब आपको इससे और करना पड़ेगा 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3x की पावर 3, और 3x स्क्वायर का माइनस 1 से भी करना पड़ेगा माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, देखो वो तो थोड़ा सिंपल, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी कंडीशन है कि x की पावर 4 वाले टर्म में से x की पावर 4 वाले टर्म माइनस होगा, अगर क्यूब वाले टर्म ऊपर होता उसमें से माइनस होता, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ऊपर जो 0 * x क्यूब है, यहां पे वो टर्म है जिसको हम ये मान सकते हैं 0 * x क्यूब, ये मान सकते हैं, तो कहने का मतलब है ऊपर टर्म ये है, अभी देखो ये तो प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या होगा प्लस होगा, ये किसी में से माइनस यानी 0 में से हो रहा है, तो ये इसका साइन चेंज होकर के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्यूब वाला टर्म ही नहीं है, और माइनस की 4x स्क्वायर में से ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था पहले, अभी ये हो जाएगा प्लस, 3x स्क्वायर प्लस हो जाएंगे माइनस के 4 से, तो माइनस के 4 प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 1x स्क्वायर, और नेक्स्ट प्लस का 4 उतार लेंगे। ठीक है, कितने टर्म से 1 2 3, अब फिर करना पड़ेगा प्लस के 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 3x क्यूब आए। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा, ये होगा माइनस के 3 यानी कि माइनस का 1 आएगा, तो माइनस के x से मल्टीप्लाई करें तब जाके आएगा, क्योंकि माइनस का साइन आ जाना चाहिए और x की पावर बढ़ जानी चाहिए, तो माइनस का 3x की पावर 3, और ये होगा इसी से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस x आ गया, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस
और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये फोर माइनस एक्स, तो फोर माइनस एक्स है, फोर माइनस एक्स तो क्या होगा रिमाइंडर, और ये आपका है कोशेंट, ये क्या होगा कोशेंट, और ये क्या होगा रिमाइंडर, ऐसे लिखना होगा, ठीक है, ऐसे आंसर होगी रिमाइंडर और कोशेंट दोनों, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन, तो ये तो आपका था फर्स्ट, और अब देखो सेकंड, फर्स्ट के मैंने दो पार्ट करा दिए, ठीक है, और बाकी दो पार्ट बीच में है वो आपको खुद को करने हैं। सेकंड क्या था देखो, डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट एंड वेरीफाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल, तो आपको डिवाइड करके बताना कि फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है, अगर जी एक्स एफ एक्स का फैक्टर है तो इसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड में हम सारे डिवाइड करेंगे और उस डिवाइड के अंदर रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो क्या है फैक्टर होगा, एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होगा, अदरवाइज इट इज नॉट फैक्टर, ठीक है। तो अब देखो सेकंड का फर्स्ट, उसमें सिर्फ चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू है वो जीरो आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है देखो वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें है डिवाइड डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल, डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल वेरीफाई दैट, यानी कि चेक करना है, जांच करनी है हमें, वेरीफाई दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमें यह बताना है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर कौन है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस तरीके से।